हमीरपुर जिला के डबेड़ा गांव के बाशिंदों ने पंचायत का विभाजन किए जाने पर ऐतराज जताया है और जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि डबेड़ा गांव को पुरानी पंचायत लमलू में ही रखा जाए। इसी समस्या को लेकर डबेड़ा गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने आज उपायुक्त हमीरपुर हरकेश मीणा को ज्ञापन सौंप कर समस्या को हल करवाने की गुहार लगाई। हमीरपुर जिला के डबेड़ा गांव के बाशिंदों ने पंचायत का विभाजन किए जाने पर ऐतराज जताया है और जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि डबेड़ा गांव को पुरानी पंचायत लमलू में ही रखा जाए। इसी समस्या को लेकर डबेड़ा गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने आज उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा को ज्ञापन सौंप कर समस्या का हल करने की गुहार लगाई है। गाँव को नई पंचायत में मिला जाने के बाद ग्रामीणों को 16 किलोमीटर की दूरी तय करके कामों को निपटाना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी संतोष कुमारी ने कहा कि वे पिछले काफी सालों से लमलू पंचायत में ही दर्ज रहे हैं, लेकिन अब नई पंचायत जटवाड़ में शामिल किया गया है जो कि डबेड़ा से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि ग्राम पंचायत लमलू लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। गाँव वासियों का कहना है कि गाँव डबेड़ा को ग्राम पंचायत में शामिल करने से उन्हें अपने जरूरी कामकाज निपटाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अपने गांव के साथ सुधार सभा और मेला मंडल मैं न्यायाधीश से यही मिलने जा रहे हैं हम कि हमारी पंचायत जो लमड़ू 60 साल से वही थी वही रहनी चाहिए। ग्राम सुधार सभा जटवाड़ के प्रधान बांका राम ने कहा कि हाल ही में हुए ग्राम पंचायत विभाजन में गाँव डबेड़ा को ग्राम पंचायत लमलू से निकालकर ग्राम पंचायत जटवाड़ में शामिल कर दिया गया है, जबकि इसकी कोई भी जानकारी गांव वासियों को नहीं थी। उन्होंने कहा कि गांव डबेड़ा से ग्राम पंचायत जटवाड़ की आने जाने की कुल दूरी लगभग 16 किलोमीटर है, जबकि ग्राम पंचायत लमलू कुल 4 किलोमीटर की दूरी पर है और गांव डबेड़ा का डाकघर बैंक एसटीओ कार्यालय उप तहसील लमलू में ही है, बल्कि उनके गाँव को ग्राम पंचायत लमलू से निकालकर ग्राम पंचायत जटवाड़ में शामिल कर दिया गया है, जिसको लेकर गांववासी उपायुक्त हमीरपुर से मिले और गांव डबेड़ा को ग्राम पंचायत लमलू में रखने की गुहार लगाई है। हम लमलू पंचायत से गांव जटवाड़ है लमलू के वार्ड नंबर 1 और जो कि हमारा पहले से लेकर पीछे से लेकर 20-30-40 साल से लेकर हमारी पंचायत जो थी वो लमलू थी और 60 साल से पहले से चलती आई लमलू। अभी जो विभाजन हुआ तो उसमें गांव वालों को किसी को पता नहीं, वार्ड पंच को पता नहीं, मैं प्रधान हूँ सुधार सभा का, हमारा किसी से कोई कंसेंट नहीं किया कि अब ये हमने अलग करनी है। तो हमारे गांव को जटवाड़ को लबड़ू पंचायत से तोड़ के एक नई पंचायत क्रिएट की, उसका नाम रखा डबरेड़ा, जो कि हमारे गांव से आना जाना 16 किलोमीटर है, एक साइड जाना है तो 8 किलोमीटर वापस आना है तो टोटल 16 किलोमीटर बनता है। अगर पैदल से जाएँ तो नाले हैं, झाड़ियाँ हैं, बीच में मिर्ग रह रहे हैं, वहाँ से आने जाने के रास्ते नहीं, वैसे भी वहाँ से आने जाने का कोई ये नहीं है। तो हमारे जो बच्चे हैं प्लस टू में लमलू पढ़ते हैं, हमारा पटवारखाना लमलू है, तहसील सब तहसील हमारी लमलू बन रही है, एसटीओ दफ्तर बिजली का हमारा लमलू है, बैंक हमारे लमलू है। तो हमारे गाँव को उसको निकाल के उसको अलग पंचायत जो बनाई उसमें जोड़ दिए गए, उसका उसके विरोध में हमारा गाँव समुचा साथ है, वार्ड पंच साथ है, हमारा महिला मंडल हमारे साथ है, तो सुधार सभा का मैं प्रधान हूँ, हमारी सारी सुधार सभा साथ है, कमेटी गांव के लोग साथ हैं। तो हम डीसी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हमारे जैसे लमलू में थे हमें उसी जगह हमारा जो गांव जटवाड़ है वो उसी जगह ही रहना दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी हमारा जो डिपू था वो डुगली खड्ड में था, तो हमने पिछले 2 वर्ष पहले उसका सब डिपू लिया वहाँ से, इसी वजह से दूरी है और बच्चे और आने जाने के लिए औरतों के लिए अकेले में बीच में नाले हैं, गाड़ियों के रास्ते ही जा सकते हैं, तो उसका डिस्टेंस जो है वो एक तरफ का 8 किलोमीटर बनता है। हमारा जो जटवाड़ से लमलू जाए सारा 3 किलोमीटर है, तो हमने 3 किलोमीटर छोड़ के आगे जाना है तो हमारे से बेन्यायी हो रही है। वहीं स्थानीय निवासी ओम प्रकाश ने कहा कि गांव डबेड़ा को ग्राम पंचायत लमलू से निकालकर ग्राम पंचायत जटवाड़ में शामिल कर दिया गया है, जो कि गांव वासियों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पुरानी पंचायत में ही रखा जाए। हमारी यही डिमांड है कि हमारी पंचायत जो है वो लमलू थी, हमें प्रपोज पंचायत जो डबेड़ा दी जा रही है उसके अधीन किया जा रहा है हमारा गाँव, तो हम चाहते हैं कि हमें लमलू पंचायत में रखा, हमें हर सुविधा लमलू से है, हमारी रोड सीधा लमलू के लिए आता है और सीधा आने जाने का रास्ता लमलू के लिए है,
हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी ये आग्रह करना चाहते हैं कि हमें लम्बड़ू में ही रखा जाए। सरकार हमें सुविधा, हर गांव को अच्छी सुविधा देने जा रही है और हमारी सुविधा 60 साल की जो उसे छीना जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारी सुविधा को वहीं रखा जाए, लम्बड़ू पंचायत में ही रखा जाए। हमारी यही आपके माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए, पंचायत मंत्री तक पहुंचनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर तक पहुंचनी चाहिए कि हमारे साथ अन्याय ना किया जाए इस गांव के साथ। धन्यवाद। मेरा नाम ओम प्रकाश, रिटायर्ड एसडीओ गांव जटवाड़। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।